हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छोटी की रसोई। आज हम लोग इंस्टेंट मसाला पुलाव बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ चावल लिए हैं, 200 ग्राम अच्छे से धो करके भिगो के लिया है। एक मीडियम साइज़ का हमें प्याज चाहिए, उसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ का आलू क्यूब शेप में मैंने कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा उसे लंबे लंबे भागों में कट कर लिया है। हमने यहाँ पे सोया चंक्स लिया है, इसे अच्छे से भिगो के लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत जीरा और साबुत गोलकी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा सा ले 2 लौंग, 1 इलायची। मसाला में हमें चाहिए 1/3 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। तेल हमने लिया है 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, ये ऑप्शनल है। फिर मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया है 10 से 12 और 1 चम्मच नींबू का रस। इसके साथ हमें ज़रूरत होगा पानी का, तो पानी हम 1.5 गिलास यूज़ करेंगे, जितना चावल लिया है उसका 1.5 गुना। तो चलिए इस क्विक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है, फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। उसके ऊपर मैंने कुकर रख दिया है। कुकर को गर्म होते ही थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा देर गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें साबुत जीरा, गोलकी और लौंग इलायची का तड़का लगा देते हैं। मिला लें इसे अच्छे से। इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, अदरक। मिला लें इसे अच्छे से, ये हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गया, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। प्याज हम आलू को थोड़ा भुनने के बाद डालेंगे। मिला लें इसे अच्छे से, 1.5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने कड़ी पत्ता अभी ऐड कर दिया है। मिक्स कर ले इसे अच्छे से। आलू भी हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। मिक्स कर ले अच्छे से। ये देखिए अच्छे से भून के रेडी हो गया है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सारे मसाले को डाल दे साथ में। फ्रेंड्स, याद रखें ये मसाला डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, आधा से 1 मिनट तक इसे अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए ये भून गया अच्छे से, अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें और नहीं अच्छा लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। ये देखिए अच्छे से भून के रेडी हो गया है, चला ले एक बार अच्छे से। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखें टमाटर को हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस साथ में मिक्स कर देना है, वरना चावल हमारा ख़राब हो सकता है। मिक्स कर लिया अच्छे से, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए चावल डाल दिया मैंने, चला ले इसे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आपको कलर थोड़ा सा फीका लग रहा होगा, ये कैमरे की वजह से है, लेकिन हल्दी का रंग बहुत अच्छा आया है। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे।
मिक्स कर ले अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमें 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। आधा गिलास मैंने और ऐड कर दिया। मिक्स कर ले इसे अच्छे से। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। आप चाहे तो किशमिश के साथ काजू भी ऐड कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मिक्स कर लिया इसे अच्छे से। अब हम इसका ढक्कन लगा करके कुकर को अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए मैंने कवर कर दिया है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो, और इसमें 3 सीटी आने तक पकाएंगे। आप ध्यान रखें अपने कुकर के अकॉर्डिंग ही सीटी लगाएं। मेरे कुकर में ये 3 सीटी में अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा, तो प्लीज़ आप अपने कुकर के हिसाब से ही सीटी लगाएं। ये देखिए 3 सीटी लग गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसका प्रेशर निकलने तक का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा इंस्टेंट मसाला पुलाव बनके रेडी है। ये एकदम गर्म है इसलिए आपको थोड़ा स्टिकी लग रहा होगा, बट बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है, बहुत खिले खिले बने हैं, क्योंकि हमने इसमें नींबू ऐड किया था तो चावल चिपकेंगे नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व कर दिया है। मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया है और प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे किसी भी ग्रेवी वाले सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप तड़के के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जो बैचलर्स हैं, जो पीजी में रहते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, वो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी है, प्लस प्रोटीन रिच भी है क्योंकि इसमें हमने सोया चंक्स ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।